एवरी hey वन कैसे हो सारे आज की वीडियो में हम पंद्रह मिनट में एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं यस नो डाउट परफॉर्म करके देखेंगे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है स्टेटमेंट या क्वेरी वट एवर ओके सो रेडी हो एक्साइटेड हो लेट्स गो को लेट्स टेक अप फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट इज एसक्यूएल अच्छा ये तो कोई भी बता देगा बताओ क्या है अब कोई ये मत बोल देना एस फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज राइट यही बोलने वाले थे नो no, मैं फुल फॉर्म नहीं जानना चाहता मैं चाहता हूं एक्चुअल में एसक्यूएल है क्या ठीक है क्या काम करती है क्या यूज केस है वो लेट मी एक्सप्लेन यू ओके सो ये किस किस ने बोला एस क्यूल इज द लैंग्वेज विच इज यूज टू इंटरेक्ट विद द डाटा बेस यस इट इज यूज टू मैन्युपुलेट द डाटा स्टोरिंग द डाटा मॉडिफाइंग द डाटा इंसर्टिंग डिलीटिंग असेक्ट्राक्ट्रा यस करेक्ट थोड़ी सी माइनर हम इसमें लेंगे अच्छा ये समझेंगे पहले स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या लैंग्वेज का मतलब बोलने की जरूरत नहीं है भाषा ठीक है तो ये कौन सी भाषा है जिससे हम डाटा बेस से जिससे हम अपने डाटा बेस से क्या कर पाए इंटरेक्ट कर पाए ओके okay. वहां पर हम वैल्यू को स्टोर कर पाए ले पाए फैच कर पाए मॉडिफाई कर पाए अपडेट कर पाए राइट right. ये सब वाले काम हम डेटाबेस से ओके okay. कौन से टाइप का डेटा बेस यस yes. डेफिनेशन भी बोलोगे वो भी अधूरी है कॉन्सेप्ट बोलोगे वो भी आपका अधूरा है जब तक आपको नहीं पता विच डेटा बेस विच यस yes. मैं यहां पर लिख दू आर डी बी एम एस ये बताओ ये क्या होता है आर डी बी एम एस का मतलब

कौन से डेटाबेस होता है ये भी समझ में आ गया अब बात करें स्ट्रक्चर क्वेरी का मतलब क्या होता है क्वेरी का मतलब होता है स्टेटमेंट क्वेरी का मतलब है समझो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है तुमको पता है ठीक है किसी की भी स्ट्रक्चर लिखना है कोई स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट स्टेप्स होते हैं ठीक है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप फॉर एग्जांपल अभी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी से एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम इधर आओ शिवम और एक मैं बोल रहा हूँ शिवम तुम इधर आओ दो चीज बोली तुम इधर आओ शिवम और शिवम तुम इधर आओ राइट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी का मतलब क्या है कि आपका मेंटेन रहेगा सेम रहेगा जो स्टेटमेंट है उसका स्ट्रक्चर रहेगा मैंने अभी स्टेटमेंट जो एक बोली वो दो तरीके से बोली बट जो एसक्यूएल में क्या है एसक्यूएल में वो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा वेल well, स्ट्रक्चर्ड होगा एक स्ट्रक्चर्ड होगा जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टेबल नेम अब ये ऐसे ही रहेगा ये चेंज नहीं हो सकता ऐसे नहीं लिख सकता आ, फ्रॉम टेबल स्टार सेलेक्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकता आगे पीछे नहीं कर सकता कोई भी वर्डGot my point इस खेल का मतलब समझ गया अब मूव करते हैं अपने एसक्यूएल क्वेरी पे ठीक है कैसी दिखती है ठीक है जो मैंने आपको एक पहली तो बोल दी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल और इसके बाद लिखेंगे हम टेबल का नेम जो भी होगा ठीक है माय टेबल लिख दी मैंने मान के चलो अभी मैं एक और चीज़ है जरूरी नहीं माई टेबल मैं हो सकता अपनी एम्प्लॉय की टेबल स्टूडेंट का डाटा बेस बना रहा हूँ ठीक है वहां पर कर सकता हूं तो वैसा कुछ है तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ क्रिएट अब मेरे को डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटा बेस और उसके बाद आ, मुझे लिखना हो अपना कोई भी डेटा बेस का नाम देना है ठीक है तो मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ कोई या जो भी बना रहा हूँ हमने कोडिंग वाला बना ले लो कोडिंग वाला ठीक है तो ये अब डेटा बेस बन जाएगा अब इसके अंदर भी मैं टेबल बना सकता हूँ ठीक है बहुत सारी तो ये हमारी क्या पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट है और ये चेंज नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता डेटा बेस कोडिंग वाला क्रिएट हो जाए इसका ये स्ट्रक्चर है तो यही स्ट्रक्चर रहेगा लास्ट में याद रखना इसका सेमी कॉलन आएगा आए ही आएगा ठीक है नोट पॉइंट वन ये किस लिए एंड करने के लिए ठीक है अच्छा एसक्यूएल इज नॉट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या कर सकते थे लॉजिक लिख सकते थे यहां पर आप लॉजिक नहीं लिख सकते यस yes. हम लूप यूज़ नहीं कर सकते हम वाइल लूप फॉर लूप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते ठीक है कहीं वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते कुछ वैल्यू मतलब कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर वेयर कंडीशन दी गई है ठीक है बट इफ एल्स यूज़ नहीं कर सकते लाइक दैट ओके तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता इसलिए ये और डिफरेंट हो जाती है अगर आपको कुछ लॉजिक करना है फॉर लूप वही वो सारी यूज़ करनी है तो उसके लिए पी एस क्यू एल होता है ठीक है ये बाद में हम पढ़ेंगे कभी क्रिएट डेटाबेस कोडिंग वाला समझ गए तो ये स्टेटमेंट ये हमारी क्वेरीज होती हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इंप्लीमेंट करके ठीक है तो अब क्वेरी समझ गए हो एस क्यूएल समझ गए हो ये आप क्वेरीज जो हो गई ये स्टेटमेंट जो हो गई वो कहाँ लिखोगे उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर आप दो यूज़ कर सकते हो एक माई एस क्यूएल सब यूज़ करते हैं आपको यूट्यूब पर हर जगह यही टूटोरियल दिखता है माई एस क्यूएल ओके एंड एक और होता है जैम्प जिनके में नहीं चल पाता वो जैम्प सर्वर भी इंस्टॉल कर लेते हैं ठीक है माई एस क्यूएल सर्वर भी मान लो या डेटा बेस डेटा बेस भी मान लो क्योंकि हम एक एक्चुअली में माई एस क्यूल का सर्वर डाउनलोड करते हैं उसके बाद वो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं डेटा बेस क्रिएट करते हैं वो हमारे क्या जो अगर हम अपने में कर रहे हैं ठीक है तो हमारे ऑफलाइन जो भी हमारा कंप्यूटर होगा सिस्टम होगा उसके अंदर हो जाएगा ठीक है अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो ओके okay, तो एस सर्वर बहुत सारे होते हैं मैं कुछ के नाम बता देता हूँ देखो एम एस एस क्यू सर्वर ठीक है ये तीन मैंने मान लिया ये तीनों अभी मतलब फेवरेट मशहूर यही है यूँ मान लो ठीक है जिसमें से माई एसकेल हम ज़्यादातर इंस्टॉल करते हैं और इसी में लेक्चर्स शूट करते हैं जो भी हमने अभी दिखाया था वो भी अब माई एसकेल का था अभी उसमें करेंगे ठीक है अब आपको ये समझ में आ गया है ना अब बात करते हैं जहाँ पर हम सर्वर के अंदर अपना डेटा बनाएंगे ना राइट right? क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं अभी हम हम जो भी प्रोग्रामिंग में कुछ करते हैं वो कुछ भी हमारा परमानेंट स्टोर नहीं होता बट डेटाबेस में परमानेंट स्टोर हो जाएगा जैसे कोई भी आप फोटोज इमेज या कुछ भी अपने फोन में खींचते हो रखते हो स्टोर करते हो हो जाता है परमानेंट होता है जब तक होता है तब तक आप डिलीट ना करो ऐसा तो नहीं है कि आपने फोन खोला सारी फोटोज उड़ जाती हैं नहीं हमेशा वहीं की वहीं रहती हैं कभी भी आप अपना ये खोलोगे सिस्टम खोलोगे लैपटॉप खोलोगे जो भी चीज आपने स्टोर किया वो स्टोर ही रहेगी एक मेमोरी में परमानेंट राइट दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस ओके अभी दो तरीके बता दिए एक ऑनलाइन हो गया और एक ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन जो ऑफलाइन है जो हम माई हमने डाउनलोड किया उसके अंदर ठीक है एक अपना कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खुलेगी उसके अंदर हम इसको कर सकते हैं ओके okay. अभी डेटाबेस में हम क्या क्या कर सकते हैं डेटाबेस में हम क्रिएट कर सकते हैं खुद का डेटाबेस ठीक है क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का जो भी हमें नाम रखना है वो नाम रख सकते हैं अपना ठीक है डी बी नीम हम क्रिएट के बाद अपना जितने भी डेटाबेस के अंदर हैं उन सबको रीड भी कर सकते हैं रीड ठीक है, जिसके लिए हमारी स्टे, जो स्टेटमेंट होती है शो डेटाबेस ओके शो डेटाबेस हम लिखेंगे तो वो हो, हो जाएगी अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दिस इज नोट पॉइंट कि जैसे मैं क्रिएट लिख रहा हूं या ये शो लिख रहा हूं क्रिएट ऐसे लिखूं मैं या सी आर ई ए टी क्रिएट लिखूँ, ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता केस सेंसिटिव नहीं है ठीक है एसक्यू एल इज नॉट अ केस सेंसिटिव क्रिएट कर लिया रीड कर लिया आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको कोई डेटाबेस आपने क्रिएट किया उसको डिलीट करने के भी आपके पास राइट है ठीक है तो वो आप डिलीट भी कर सकते हो ड्रॉप डेटाबेस प्लस जो भी हमारा डेटाबेस का नाम होगा ठीक है डीबी ऐसे आप डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हो रीड भी कर लिया क्रिएट भी कर लिया लेकिन डायरेक्ट आप डेटाबेस में वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि डेटाबेस क्रिएट किया अभी डेटाबेस में आपको कोई टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे ठीक है मान लो तो अभी मैंने ये समझ गया आपको ठीक है इसके अंदर हमारी क्या बनती है टेबल बनती है तो लेट्स मूव विद द टेबल्स ओके अब ये टेबल्स क्या होती हैं डेटा बेस के अंदर बनती है हमारी टेबल्स और ये टेबल्स में ऐसे मान के चलो कि मेरे को दो या तीन कुछ बच्चों का डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले टेबल बनाऊंगा ठीक है मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास रोल नंबर हो सकता है उसका नाम हो सकता है फर्स्ट नेम उसका सेकंड नेम और उसके मार्क्स लेट्स सी ठीक है चार हमने ही ले लिए है स्टूडेंट का कोई डेटाबेस बेस बनाया एम्प्लॉय का बना लिया तो उसकी सैलरी हो सकती है फर्स्ट नेम हो सकता है और एम्प्लॉय आईडी हो सकती है तो सबसे पहले मेरे को ये डेटा स्टोर करना पड़ेगा और मुझे पता है उसकी कितने टाइप्स की वैल्यू या कितने कॉलम्स बन सकते हैं ठीक है एक ही बंदे के पास कितनी सारी चीजें होंगी वो क्या होंगे कॉलम्स ओके कॉलम्स अब जितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैंने बच्चों को स्टोर करना है वो किसमें होंगे रोज के अंदर ठीक है रोज अगर बच्चों का करना है एम्प्लॉय का करना है तो नंबर ऑफ रोज एक एम्प्लॉय आई हो गया सॉरी एक रोल नंबर हो गया फिर एक फर्स्ट नेम सेकेंड नेम और मार्क्स फिर दोबारा फिर तेबारा ऐसे चलता रहेगा सो ऑन जितना आपको करना है तो रोज इंक्रीज होंगी कॉलम्स नहीं ठीक है कॉलम्स फिक्स से रहेंगे ये कॉलम्स तभी हो जाएंगे जब भी हम क्रिएट करेंगे टेबल को तो हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल ठीक है आई मैंने कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाया ठीक है और मैंने टेबल बना ली मान के चलो क्लास ट्वेल्थ की अब जब ट्वेल्थ क्लास पास आउट हो जाती है तो उसके बाद मेरे को क्या डेटा को डिलीट करने की जरूरत है या उस क्लास ट्वेल्थ का डेटा अगर मेरे को रिसेंट में से डिलीट करना है उसको जरूरत है तो टेबल को डिलीट करूंगा ना क्योंकि अब नई क्लास आएगी नई ट्वेल्थ हो जाएगी मैं क्लास ट्वेल्थ की नई दोबारा से टेबल बनाऊंगा उसके लिए टेबल डिलीट करूंगा पूरा डेटा बेस कैसे डिलीट कर सकता हूं ठीक है तो क्रिएट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं ठीक है अब डिलीट भी आपका दो तरीके से होता है एक होता है आपका सेम जो आपकी सिंपल ड्रॉप हो जाती है ठीक है ड्रॉप हो गया और एक आपका हो जाता है ट्रंकेट ट्रंकेट ठीक है ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है देखो ड्रॉप भाई पूरी टेबल उड़ा देगी पूरी ठीक है अब मैं चाहता हूं मेरी टेबल तो वही रहे क्योंकि दोबारा टेबल बनानी जरूरत ना पड़े कि जितना मेरा डेटा है ना उसके टेबल के अंदर वो डिलीट हो जाए ना कि टेबल तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ट्रंकेट का यूज करूंगा तो बनाए डेटा बेस के अंदर टेबल बनाई और टेबल के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं डेटा ठीक अब ये डेटा के भी तो मेन पॉइंट्स हैं डेटा क्या देखो डेटा के, के अंदर हमने टेबल बनाई टेबल के अंदर डेटा स्टोर करोगे नौ यहां पर हमारे कॉलम से कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री ठीक है कॉलम फोर कॉलम फाइव इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है ठीक है तो अब उसके लिए क्या है इंसर्ट स्टेटमेंट यूज होती है ठीक है इंसर्ट द डेटा ठीक है रीड करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है और दो तरीके से अगर सब करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टेबल नेम लगा देंगे ठीक है अगर वो नहीं करना या कुछ मेरे को कॉलम्स प्रिंट करवाने हैं ठीक है तो सिलेक्ट वो वाले कॉलम डाल दूंगा मैं ठीक है सिलेक्ट कॉलम कॉलम फ्रॉम टेबल टेबल नेम एक और तरीके से कर सकता हूं कॉलम के दो नाम लिख दिए एक और तरीके से कर सकता हूं वो क्या है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इससे क्या है सब भी हमारे क्या आ जाएंगे कॉलम्स प्रिंट होंगे बट मैंने लिख दिया वेयर वेयर मैंने लगा दिया नेम नेम इक्वल टू कोई नाम डाल दिया मैंने शिवम ठीक है अब सिर्फ शिवम वाले बच्चे का पूरा डेटा प्रिंट होगा ठीक है इसके बाद इसको डिलीट भी कर सकते हो डिलीट कैसे सिंपल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर जो भी आपका हो गई कंडीशन जहां भी मैंने नाम लिखा है सेम लाइक दैट एंड फोर्थ फोर्थ क्या है वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हो अपडेट कर सकते हो ठीक है अपडेट इससे सबसे अगर एप्लीकेशन बनता है तो एप्लीकेशन के कुछ वो बन जाते हैं सी यू आर डी कर्ड कर्ड एप्लीकेशन ज्यादातर बच्चे बनाते हैं प्रोजेक्ट ठीक है और यही एक्चुअली में मेन जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं उस पर मेन यही काम हो रहे होते हैं क्रिएट हो रहा होता है डेटा जो इंसर्ट से करेंगे हम ठीक है अपडेट हो रहा होता है जो है हम अपडेट स्टेटमेंट से लिखेंगे रीड हो रहा होता है और डिलीट हो रहा होता है अब जैसे ये टेबल बनाई है इसमें प्राइम जैसे हमारे रोल नंबर हो गए वो यूनिक होते हैं ना हाँ तो सेम उनको कहा जाता है कीज अब एक होता है यूनिक की यूनिक की ठीक है एक होता है प्राइमरी की और एक होता है फॉरेन की ये मोस्टली यूज होती है और यही आप याद रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये ज्यादातर पूछी भी जाती है ठीक है तो बाय डिफॉल्ट ये कोड आएगा जब आप एक बार लॉग इन कर लोगे इसके बाद क्या है आप कोई ऐसे लिखो शो डेटा बेसिस ओके बहुत सारे डेटा बेसिस हो सकते हैं सेमी कॉलम से क्लोज कर दी शो डेटा बेसिस कर रहे हैं हम राइट अब मेरे इतने सारे डेटा बेस हैं वो सब आ जाएगा अब देखो जो मैंने आपको बताया था शो कैपिटल रखूंगा मैं डेटा बेसिस ठीक है सेमी कॉलन और ये देखो ये भी काम कर गई अभी मैं डेटा बेस को सेमिकॉलन रहा दूंगा सी नहीं काम करा जब तक एंटर करता रहूंगा ये चलता रहेगा क्यों क्योंकि अभी तक मेरी क्वेरी एंड नहीं हुई है जैसी मेरी एंड हो जाएगी अब उसको समझ में आ जाएगा अब एग्जीक्यूट करना है ठीक है अभी मेरे को पता चल गया इतने सारे मैंने डेटाबेस बना रखे हैं अब मेरे को डी बी डी बी नेम एम्प्लॉय बना रखा है राइट अभी मैं अपना बना के दिखा दू क्रिएट डेटा बेस अब इसके बाद क्या लिखना है आपको डेटा बेस का नाम जो भी लिखना है तो मैंने बोला स्टूडेंट ठीक है या स्कूल लगा लेते हैं स्कूल ठीक बन गया अब दोबारा से मैं क्या करने जा रहा हूँ शो डेटा बेसिस अभी डी बी डीबी नेम एम्प्लॉय के नीचे आइए आ गया स्कूल

इंट मान लो नाम होना चाहिए टीचर का ठीक है तो टीचर नेम टी नेम ये किस किस में आएगा ये स्ट्रिंग टाइप का होगा तो उसके लिए होता है वेरिएबल कैरेक्टर ठीक है वेर केयर कर देंगे और ये हम टू फिफ्टी फाइव वैल्यू डाल देंगे कुछ इस प्रकार ठीक ये हो गया हमारा अभी जो मैंने कॉलम्स के लिए ब्रैकेट ओपन किया वो भी क्लोज कर दो लास्ट में स्टार लगा दो और बस आपका क्या हुआ नहीं बना नो डेटा बेस सिलेक्टेड क्यों क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर नहीं है समझो मैंने क्या बोला था डेटा बेस के अंदर टेबल बनेगी और टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगा हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो डेटा बेस पहले सिलेक्ट करो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यूज सिलेक्ट के लिए इसमें यूज पहला बस यूज है बाकी सब सिलेक्ट सिलेक्ट ही चलता रहेगा यूज अब जो भी मैं करूंगा स्कूल जो मैंने बनाया स्कूल ठीक है डेटाबेस चेंज अब डेटाबेस के अंदर आ गए हम अब एग्जीक्यूट मैं करूंगा क्रिएट टेबल वाला सही क्वेरी ओके जीरो रोज अफेक्टेड अभी मैं आपको डाल दू ऐसे शो टेबल्स सही टीचर्स की दिख रही है एक और अगर मैं करना चाहूं यहां पर टीचर्स की जगह क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स ठीक है, है यहां पर मेरी क्या होगी एस आई डी और एस नेम ओके इसके बाद अब मैं दोबारा से करूंगा जैसे शो डेटा था वैसे शो टेबल्स अभी दो बन गई अब ऐसे में इंसर्ट कर सकता हूँ अपडेट कर सकता हूँ डिलीट कर सकता हूँ मॉडिफाई कर सकता हूँ इस पूरी टेबल को हटा सकता हूँ उड़ा सकता हूँ ठीक है जैसे मैं करूँगा ड्रॉप टेबल और ए स्कूल ओके ओके सॉरी स्कूल कैसे हो सकता है वो तो स्टूडेंट बनाई ना टेबल स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट्स ठीक अभी मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करूँगा शो टेबल्स एक बची डिलीट हो गई ऐसे हम सब चीजें कर सकते हैं तो अब मेरे को बता ये सभी पूरा एक लेक्चर बनाऊँ, सब पे पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो मेरे को बताना बाकी आपको इतनी ही जरूरत है फिलहाल क्रिएट इंसर्ट, अपडेट डिलीट ये सभी क्वेरीज मैं आपको एक बार जे के अंदर फिर से दिखाऊंगा अभी मेरे को सिर्फ इतना था कि मैं आपको ये समझा पाऊं अभी इससे ज्यादा चीजें आप खुद ट्राई करना इम्प्लीमेंट करना ये आपके लिए था बाकी मैं ये इसलिए बता रहा था पंद्रह मिनट में इतना पढ़ा दिया तब अब आप, आपके ऊपर से लेक्चर नहीं जाएगा जब मैं जे डी बी सी वन शॉट में करवाऊंगा मैं मैं क्रिएट करूँगा अपडेट करूँगा डिलीट करूँगा इंसर्ट करूँगा वो सभी जो मैंने अभी टेबल के अंदर बताई ठीक है क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कर्ड पूरा कर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे जे डी बी सी के साथ ठीक है तो मिलता हूँ मैं आपको उसी वीडियो के अंदर बाय बाय बेस्ट ऑफ लक